दोस्तों, वैसे तो एक वयस्क हाथी का वजन तकरीबन 5000 किलोग्राम के आसपास होता है, मगर इतने वजन के बावजूद भी यह सबसे चुस्त और फुर्तीला जानवर है, क्योंकि हाथी आमतौर पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हाथी को चींटी और मक्खी मच्छर जैसे कीट पतंगों से डर क्यों लगता है? हाथी अपने कानों को दिन भर क्यों हिलाता रहता है? या फिर हाथी को दिन की ज्यादा रोशनी में कम क्यों दिखाई देता है? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर हाथी अपने विशालकाय शरीर को शीशे में देख ले तो क्या होगा? साथ ही दोस्तों बताएंगे कि इतना बड़ा जानवर होने के बावजूद भी हाथी आपस में संबंध कैसे बनाते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप न करके अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, हाथी को दुनिया का वह जानवर माना जाता है जो मनुष्य के प्रति बेहद ज्यादा वफादार और बेहद करीब होता है। हाथी दिखने में जितने प्यारे दिखाई देते हैं, शारीरिक क्षमता के मामले में यह कई जानवरों से कई ज्यादा गुना शक्तिशाली होते हैं। हाथी और इंसानों के बीच की केमिस्ट्री को कई फिल्मों में दिखाने की कोशिश भी की गई है, लेकिन वहीं हाथी के बारे में कुछ इतने दिलचस्प फैक्ट है जिन्हें जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। जैसे, हाथी को क्या वाकई में चींटी से डर लगता है, और क्या उसे मच्छर से घबराहट होती है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है, जो सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हाथी चींटी और मक्खी मच्छरों से डरता है, और इसी वजह से वह अपनी सूंड को फूंक फूंक कर आगे कदम बढ़ाता है। हालांकि हाथी की चमड़ी लगभग 1 इंच तक मोटी होती है, लेकिन इसकी त्वचा बहुत ही संवेदनशील और मुलायम होती है, और अगर हाथी को चींटी, मच्छर या फिर मक्खी काट ले तो उसकी त्वचा पर गहरा घाव हो जाता है, और यही कारण है कि हाथी को चींटी, मक्खी और मच्छर जैसे कीट पतंगों से बचकर रहना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपने हाथी देखा होगा तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हाथी अपने कानों को हमेशा हिलाता रहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर हाथी ऐसा क्यों करता है? दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि हाथी दूसरे जानवरों के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, और अपने विशालकाय शरीर को गर्मी से बचाने के लिए हाथी अपने कानों का प्रयोग करता है, इसलिए अक्सर हाथी को कानों को हिलाते हुए देखा जाता है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अफ्रीका में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और इसलिए यहाँ पर पाए जाने वाले हाथियों के कान नॉर्मल हाथियों के कान से काफी बड़े होते हैं, ताकि वह अपने बड़े कानों की मदद से अपने शरीर को ज्यादा लंबे समय तक ठंडा रख सके। हालांकि अभी तक किसी भी वैज्ञानिक के द्वारा इस बात को साबित नहीं किया जा सका, लेकिन अनुमान यही लगाया जाता है कि अफ्रीका में ज्यादा गर्मी होने की वजह से यहाँ पर पाए जाने वाले हाथियों के कान ज्यादा बड़े होते हैं। दोस्तों, एक पुरानी कहावत के अनुसार बताया जाता है कि अगर हाथी अपने विशालकाय शरीर को शीशे में देख ले और यह जान जाए कि उसका शरीर दूसरे जानवरों से कई ज्यादा गुना बड़ा है, तो वह जंगल में चारों तरफ तबाही मचा देगा। लेकिन कहा जाता है कि हाथी का शरीर इतना ज्यादा विशालकाय होने के बावजूद उसकी आंखें बहुत ज्यादा छोटी होती है, और हाथी का इतना बड़ा शरीर होने की वजह से यह अपनी गर्दन को पीछे की तरफ नहीं घुमा पाता, जिससे वह अपने विशालकाय शरीर को नहीं देख पाता। और दोस्तों, यह भी बताया जाता है कि अगर हाथी अपनी गर्दन को थोड़ा बहुत घुमाता भी है तो वह अपने कानों की वजह से अपने विशाल शरीर को नहीं देख पाता, क्योंकि जैसे ही यह अपनी गर्दन को थोड़ा सा घुमाता है तो इसके विशालकाय शरीर और इसकी आंखों के बीच में इसके बड़े बड़े कान आ जाते हैं, जिस वजह से यह अपने कानों के पीछे छिपे अपने विशाल शरीर को कभी भी नहीं देख पाता। और कहा जाता है कि अगर हाथी ने कभी अपने विशालकाय शरीर को देख लिया और अपनी शक्ति को पहचान लिया तो यह बेकाबू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक इस बात का कोई भी ठोस सबूत नहीं है, क्योंकि कोई भी हाथी तभी आक्रामक होता है जब उसे किसी के द्वारा चोट पहुंचाई जाती है, वरना हाथी एक ऐसा जानवर है जो बेहद ही वफादार और इंसानों के काफी करीब होता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हाथी की आंखों की रोशनी बहुत ही कम होती है, और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि हाथी को तेज रोशनी में काफी कम दिखाई देता है, जबकि कम रोशनी में ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि हाथी की आंखों की पुतलियां बहुत जल्दी सूख जाती है, और आंखों की पुतलियों को आसानी से चलाने के लिए हाथी की आंखों से एक तरल पदार्थ की सप्लाई होती रहती है, और जब कभी यह तरल पदार्थ आंखों में ज्यादा हो जाता है तो ये आंखों से बाहर निकल आता है। दोस्तों, शायद कभी आपने नोटिस किया हो कि जब कभी हम गर्मियों के मौसम में हाथी को देखते हैं तो उसकी आंखों से पानी निकलता रहता है, जिसे देखकर हम यह सोचते हैं कि हाथी रो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये वो तरल पदार्थ होता है जो हाथी की आंखों की पुतलियों को चलाने के लिए उसकी मदद करता है, और जब यह तरल पदार्थ आंखों में ज्यादा हो जाता है तो यह आंखों से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर हम सोचते हैं कि शायद हाथी रो रहा है। दोस्तों, हाथी का बच्चा देखने में बेहद प्यारा लगता है, जो काफी शक्तिशाली भी होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाथी का बच्चा पैदा होने के केवल 20 मिनट बाद ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, और 1 घंटे के अंदर चलने भी लगता है, और 2 दिन के बाद यह बच्चा इतना काबिल हो जाता है कि अपनी सूंड को चलाने के साथ ही अपने खाने पीने की तलाश भी करने लगता है। दोस्तों, हाथी का वजन भले ही 5000 किलोग्राम से ज्यादा हो, मगर इतना ज्यादा वजन होने के बावजूद भी हाथी पूरे दिन में करीब 10 से 20 किलोमीटर तक चलता है और सिर्फ 3 से 4 घंटे सोता है। हाथी की सूंड में तकरीबन 1.5 लाख मांसपेशियां होती है, क्योंकि हाथी की सूंड उसके शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है, और कहते हैं कि एशियाई हाथी तो अपनी सूंड से मूंगफली को उठाकर उसे छीलकर फिर से खा सकता है। जिस समय हाथी गहरे पानी में तैरते हैं, उस समय हाथी अपनी सूंड को सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं। और आपको बता दें कि हाथी पूरे दिन में खाना खाते रहते हैं,
जिसमें एक दिन में तकरीबन 150 किलोग्राम तक के खाने की जरूरत होती है। हालांकि इसमें से वह आधे खाने को ही पचा पाते हैं, लेकिन फिर भी यह इतना खाते हैं कि इसके एक दिन का एक तिहाई हिस्सा इसके खाने में ही निकल जाता है। दोस्तों, अगर हाथी को लेकर संबंध बनाने के बारे में बात की जाए तो मादा हाथी लगभग 10 से 12 साल की उम्र में यौन परिपक्वता तक पहुंच जाती है, जबकि नर हाथी 25 साल की उम्र में परिपक्व होते हैं। दोस्तों, जब नर हाथी को मादा को अपनी ओर आकर्षित करना होता है तो वह अपने कानों को फड़फड़ाना और अपने सर को पेड़ों और झाड़ियों पर रगड़ने जैसी हरकतें करने लगता है, और मादा हाथी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अपने मुंह से एक विशेष प्रकार की गड़गड़ाहट की आवाज भी निकालते हैं, जिसे मुखर कॉल कहा जाता है। वहीं अगर मादा हाथी संबंध बनाने के लिए तैयार होती है तो वह भी अपने मुंह से ऐसी ही गड़गड़ाहट की आवाज निकालकर नर हाथी की कॉल का जवाब देती है, और अगर दोनों संबंध बनाने के लिए तैयार होते हैं तो यह अपने समूह से निकलकर दूर चले जाते हैं, जिनके संबंध बनाने का समय तकरीबन 2 मिनट तक होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मादा हाथी की गर्भ अवस्था 22 महीने तक चलती है, और उसके बाद यह एक नन्हे हाथी के बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों, हाथी के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।